न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के हड़ताली मोड़ पे। लॉकडाउन ख़त्म होने में महज कह सकते हैं कि 7 दिन बचा हुआ है। आज तारीख 7 है और 14 तारीख को जो 21 दिनों का लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वो खत्म हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेकिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है। आज पटना पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, बिहार पुलिस, वो काफ़ी सख्त है। हर गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है और आज कार्रवाई पूरी तरीके से हो रही है। हम पहले आपको इधर दिखा दें कि देखिए किस तरीके से आज जो लोग हैं जो बेवजह निकले हैं अपने घरों से बाहर, बार बार बताया जा रहा था कि लॉकडाउन है, आप बाहर ना निकले, तो बिहार पुलिस कई बार आपने देखा होगा कि समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज पूरे तरीके से कार्रवाई के मूड में है पुलिस। देखिए गाड़ियों में जो कह सकते हैं कि टोचन वो लगाया जा रहा है, उसके बाद गाड़ियों को टांग उठाकर इसमें रखा जाएगा और आज कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से की जाएगी। बार बार लोगों को समझाया जा रहा था कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे और अपने घर से बाहर निकल रहे थे। और जैसा कि आप देख रहे थे कि पटना पुलिस जो है काफ़ी कॉपरेट कर रही थी लोगों को, और आपसे भी बार बार यही कहा जा रहा था कि आप भी हैं जो वो कॉपरेट करें, आप लोगों को जो जितने भी तमाम लोग हैं वो लोग कॉपरेट करें, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, जो भी हो, जो भी आपके लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगे हुए उनको आप कॉपरेट करें। लेकिन आज जिस तरीके से कह सकते हैं कि लोग, कल देखा था हमने काफ़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे थे, उसके बाद फिर से पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई और सड़कों पर चालान काटने का जो काम था वो जारी था। लेकिन आज पहली बार लॉकडाउन में ये तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से गाड़ी का जो है वो टोशन किया जा रहा है, गाड़ियों को उठाया जा रहा है, जो बेवजह गाड़ी लेके निकले हैं उनका फाइन लग रहा है और गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। तो चलिए ज़रा उस तरफ भी दिखाते हैं सड़क की उस तरफ। देखिए दोनों साइड जो है चेकिंग चल रही है, कोई भी हो, जिनकी भी गाड़ी है उनको रोका जाएगा, गाड़ी को देखा जाएगा। अमूमन कह सकते हैं कि पुलिस जो है उनका कई तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कभी आप देखते थे कि जो पुलिस है वो समझाती थी लोगों को, कभी आप देखते थे कि जो पुलिस है वो लोगों को कहती थी कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले। बावजूद इसके काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, तो आज पूरी तरीके से थोड़ी सख्ती दिखाई है पुलिस ने और कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से की जाएगी। जितनी भी गाड़ियां हैं, तमाम कोई भी स्टिकर लगाओ, कोई भी बोर्ड लगाओ, उनको रोका जाएगा, जाँच की जाएगी कि कहाँ जा रहे हैं, पूछा जाएगा क्यों जा रहे हैं। अगर वाजिब आपके पास कारण होगा तो आप जा सकते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी है आपके पास तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते, आपको जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। देखिए तमाम कह सकते हैं कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, या फिर साइकिल हो, या फिर जो पैदल लोग जा रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। और जितने भी तमाम कह सकते हैं कि बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो SSP हो, DM हो, कमिश्नर हो, खुद सड़कों पर निकलते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और देख रहे हैं चीज़ों को कि लॉकडाउन का उल्लंघन कोई ना करे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम इस वक्त बेली रोड की और हड़ताली मोड़ पे हम खड़े हैं। देखिए कि पुलिस जो है किस तरीके से आज काफ़ी सख्त हुई और कार्रवाई के मूड में है। तो चलिए ज़रा अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा इधर आइए पीछे और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जो पुलिस के हेड हैं उनसे भी हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि आज क्या कुछ हो रहा है। सर आज काफ़ी सख्ती दिखाई जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, अचानक से आज जो कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो तेज़ हो गई है। देखिए जो तमाम लोग हैं जो बेवजह घरों से निकले थे उनकी देखिए गाड़ियों को किस तरीके से हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, और अगर बेवजह आप निकलेंगे तो कार्रवाई होगी आप पे, कार्रवाई आपके ऊपर तय है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, जो बेवजह लोग अपने घरों से बाहर निकले थे, बेफजूल में बाहर निकले थे, उन पे अब कार्रवाई तय है। अब तक कह सकते हैं कि करीब 1 करोड़ से ऊपर जुर्माना जो है वो कह सकते हैं कि पुलिस ने वसूला है और कई गाड़ियों को भी अब तक, जैसे कि रिपोर्ट आई थी कि 500 से अधिक 600 से अधिक गाड़ियों को अब तक जब्त किया जा चुका है और कार्रवाई सभी पे होगी, कार्रवाई तय। देखिए किस तरीके से गाड़ियों को उठाया जा रहा है और जब तक लोग चीज़ों को नहीं समझते कि एम्बुलेंस जो है उसको जाने की इजाज़त रहती है, उसको तुरंत निकाला जाता है क्योंकि इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी जो वाहन हैं जितने भी तमाम वो जा सकते हैं, या जो फिर कह सके कि जो सरकार ने 12 रियायतें दी हैं उनको जाने की इजाज़त है, उस अगर उस चीज़ों को लेकर के कोई जा रहे होंगे तो उनको पूरी तरीके से छूट रहेगी, पूरी तरीके से इजाज़त होगी जाने की। लेकिन अगर आप बेवजह निकलेंगे अपने घरों से बाहर, फिजूल में निकलेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो तय है और कार्रवाई आपके ऊपर होगी। तो फिर से एक बार आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के हड़ताली मोड़ की, किस तरीके से हर वाहन
कि पूरी तरीके से जांच की जा रही है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो। और लोगों से अपील बार बार यही की जाती है, न्यूज फाउंडेशन भी फिर से यही अपील करता है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आप फिजूल में घरों से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो होगी, कार्रवाई तय है। इसलिए आप चीज़ों को समझें। बार बार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों से अपील बार बार करते हैं कि जिस तरीके से आपने सफल बनाया था उसको आप फॉलो करें और आप जो है चीज़ों को समझें और आप घरों से बाहर ना निकले। उसके बाद कह सकते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी लोगों से मार्मिक अपील की थी कि आप भी अपने घरों से बाहर ना निकले, चीज़ों को समझें और जितना अधिक हो सके घर पे ही रहें, क्योंकि बाहर निकलेंगे आप तो इससे परेशानी आपकी है वो बढ़ सकती है। तो यही चीज़ है कि इस वजह से आज लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है और जो बेवजह निकल रहे हैं उनका देखिए फाइन कट रहा है, उनकी गाड़ी जब्त की जा रही है, चाहे वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो, हर किसी को रोका जाएगा, हर किसी को टोका जाएगा और जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना के, कह सकते हैं कि अभी हम हड़ताली मोड़ पर मौजूद थे और देखिए कि आज जो पुलिस है वो काफ़ी सख्त हो चुकी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप घर से आज बेवजह निकलेंगे अभी भी, क्योंकि लॉकडाउन में 7 दिन बचा है, तो अगर आप फिजूल का बेवजह घरों से बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई आपके ऊपर जो है वो तय है। इसलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।